अच्छा ज्यादा देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाए। तो टाइम की जो प्रेपोजिशन है बेसिकली दे आर ऑन, इन एंड एट, क्लियर। आज हम इसका फर्क देख रही है कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्लियर। तो हमारे पास जो टाइम्स है, टाइम में हमारे पास डे, ईयर, सेंचुरी, क्लॉक टाइम, जस्ट टाइम, क्लियर। तो अब हम देखते हैं हम इनको कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डे, ये बहुत अहम है, डे में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। जब भी वर्ड आपके पास डे आ जाए तो आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। चाहे फ्राइडे हो, डे आ रहा है सैटरडे, डे आ रहा है इसमें मंडे, डे आ रहा है इसमें। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तब होती है जब हॉलीडे की बात होती है, जैसे समटाइम हम देखते हैं ईद, हमें कंफ्यूजन रहती है कि ईद के साथ ऑन आएगा कि एट आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपने वही चीज फॉलो करनी है, अगर डे आ जाए ईद के साथ, ईद डे, तो आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। अगर सिंपल ईद आ रही है तो आपने उस पर एट का इस्तेमाल करना है, क्लियर। तो बस ये याद रखना है, जहां पे बर्थडे आएगा वहां पे आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह कोई और हॉलीडे आती है तो हॉलीडे के साथ भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई और किसी का त्योहार आता है, होली आती है, तो सिंपली एट होली, और हॉलीडे तो वहां पे हॉलीडे आ जाएगा। क्रिसमस होगा तो एट क्रिसमस, मगर क्रिसमस डे होगा तो हम इसके साथ ऑन का इस्तेमाल करेंगे, डन। तो सिंपली जहां पर डे का वर्ड आ गया वहां पे हमने ऑन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ डे, क्लियर। तो पार्ट्स में हमारे पास आता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट। अरे जहां पर हमारे पास पार्ट्स ऑफ डे होंगे, मॉर्निंग के साथ हम हमेशा इनका इस्तेमाल करेंगे, इवनिंग के साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे, आफ्टरनून के साथ हम इनका इस्तेमाल करेंगे, नाइट के साथ हम इन, ऑन, एट और ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाइट इसलिए एक अलग से टॉपिक है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बट मॉर्निंग के साथ हमेशा आपने इन 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 का इस्तेमाल करना, ठीक है। बट जहां पे दिस मॉर्निंग आ जाए तो वहां पे हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे इन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। दिस इवनिंग आ जाएगा तो वहां पे हम इन और कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जब हमारे पास यस्टरडे आ जाएगा, टुमारो, तो इनके साथ हमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना, लाइक ओन यस्टरडे, इन यस्टरडे, सो रॉन्ग, जस्ट यस्टरडे एंड टुमारो। अच्छा जी, एक तो डे है जो हमने वर्ड्स में लिखा फ्राइडे, जब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे जैसे 15, क्लियर, तो वहां पर भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 15 अगस्त, तो वहां से हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मंथ, तो मंथ में हमेशा हम इन का इस्तेमाल करेंगे, इन फेब, इन जैन। तो मंथ में हमने हमेशा इन का इस्तेमाल करना है, कि मंथ बेसिकली टाइम पीरियड है जिसके दौरान कोई काम होगा, तो वहां पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईयर, जब भी साल की बात करेंगे वहां पे हम इन लिखेंगे, इन 1990, इन लास्ट ईयर, क्लियर, इन नेक्स्ट ईयर। तो जहां पे भी ईयर आएगा वहां पे हमने इन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास आता है डेकेड, ब्रैकेट में भी हम इन का इस्तेमाल करेंगे, लाइक इन 90s, इन 80s, क्लियर। तो ब्रैकेट में हम इस्तेमाल करेंगे इन का। नेक्स्ट हमारे पास सेंचुरी, सेंचुरी में भी हम इन का इस्तेमाल करेंगे, डन। इन 21st सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी, इन दिस सेंचुरी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लॉक टाइम,
जब घड़ी का टाइम हमारे पास होगा वहां पे हमने क्या इस्तेमाल करना है, जब घड़ी का टाइम हमारे पास एग्जैक्टली होगा 12:13 या 15 तो यहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे। एट तब हम इस्तेमाल करेंगे जब कुछ वेरी स्पेसिफिक हो, जैसे ईद वहां पे एट का इस्तेमाल करेंगे, टाइम हमारे पास स्पेसिफिक हो, फिक्स हो, तो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे 12:15। ओके, जब हमारे पास सिर्फ टाइम हो तो वहां पे हमने ऑन टाइम का इस्तेमाल करना है, जैसे कम ऑन टाइम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है वीकेंड। तो जब सिंपली वीकेंड होगा तो हम वहां पे एट वीकेंड लिखेंगे, क्लियर। अच्छा, सम टाइम हमारे पास डे भी आता है, 25th मंथ भी आता है और ईयर भी आता है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करें, तो हमेशा जो पहला वर्ड होगा, जो पहला होगा टाइम, हम उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम डे के हिसाब से प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन 25th January 1995, क्लियर। इसी तरह 25th night यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा tonight, today, this weekend, tomorrow, yesterday, this morning, this evening, इनके साथ फिर प्रपोजिशन में आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं नाइट। नाइट के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जहां से हमारे पास